स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों को लेकर के। इसके पिछले वीडियो में विराम चिन्हों से संबंधित चार्ट और इसका अर्थ बताया जा चुका है। आज सभी विराम चिन्हों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह हमने बताए थे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 13 प्रकार के हमने बताए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला है पूर्ण विराम, ठीक है। जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण पहला देखें, पुष्पा ने निबंध लिख लिए, ठीक है। तो ये जो वाक्य कंप्लीट हो रहा है इसके अंत में जो लगाया है आपका पूर्ण विराम है। रमन गुड़गांव जाएगा, इसके अंत में जो लगाया है पूर्ण विराम। मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, ये सब जो है आपके वाक्य जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह तो लास्ट में लगाएंगे आपका पूर्ण विराम होगा। आगे देखेंगे अर्धविराम। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे तुमने बुलाया नहीं, नहीं तो मैं आ जाती, ठीक है। इसके लिए जो लगा है बीच में आपका अर्धविराम है। उसने बहुत प्रयास किया किंतु परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो इसके लिए जो बीच में लगा है आपका अर्धविराम। आगे देखेंगे अल्पविराम। अल्प का मतलब ही होता है बहुत कम समय के लिए जब रुकना हो, ठीक है, तो उसे अल्पविराम कहेंगे। उदाहरण देखेंगे मोहन कौमा, ये जो कौमा होता है यही आपका अल्पविराम है। राम कौमा राधा, ठीक है, रमेश चलेंगे, ये जो है आपका अल्पविराम बहुत कम समय के लिए। सबका नाम ले रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए रुके तो वो आपका अल्पविराम हो गया। राम ने कहा, ठीक है, अपना काम करो। ये देखिए यहाँ पर भी हमने कौमा लगाया नहीं है, अल्पविराम। हाँ मैं कविता करूंगा, हाँ मैं कविता करूंगा, थोड़ा रुके, ठीक है, अल्पविराम। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछने के लिए जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह कहेंगे। इसका जो निशान देख रहे हैं, उदाहरण देखें तुम कब आओगे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो लगाते हैं वाक्य के अंत में वो है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, ठीक है। तो क्या तुमने काम कर लिया, ये देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह हुआ। पांचवा देखेंगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह, यानी कोटेशन वगैरह लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे हम उद्धरण चिन्ह कहेंगे। देखेंगे उद्धरण चिन्ह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। इकहरे चिन्ह, उद्धरण के इस चिन्ह का प्रयोग किसी लेख पुस्तक कविता आदि के शीर्षक को लिखने में किया जाता है। इकहरे मतलब ये देखिए ये आपके इकहरे उद्धरण चिन्ह। उदाहरण देखिए मैंने प्रसाद जी की ममता कहानी पढ़ी, इसके लिए जो लगाया हमने वो इकहरा उद्धरण चिन्ह हो गया, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किसी उद्धरण का ज्यों कहते हो लिखने के लिए होता है। उदाहरण देखेंगे राम ने कहा सदा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, जैसा राम ने कहा वैसा बोला, और इसके लिए हमने जो लगाया वो दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण का मतलब लिस्ट जब देनी हो, ठीक है, ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सभा का विवरण इस प्रकार, इसके लिए जो लगाया आपका विवरण चिन्ह। संधि के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार, इसके लिए लास्ट में जो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं वो आपका विवरण चिन्ह हो गया, क्योंकि विवरण देते हैं इस चीज के बारे में। आगे देखेंगे निर्देशक चिन्ह, यानी डैश, या चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, या क्योंकि निर्देशक और योजक दोनों एक ही तरह होते हैं आपके, बस इसमें अंतर यही है कि थोड़ा बड़ा होगा और योजक छोटा होगा। यह चिन्ह शीर्षक तथा उपशीर्षक तथा उदाहरण देने के लिए के समय प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे भाषा का महत्व, ठीक है, इसके लिए जो लगा है आपका निर्देशक चिन्ह। पिताजी ने कहा गोपाल खड़े हो जा, निर्देश दे रहे हैं ना, ये देखिए ये आपका निर्देशक चिन्ह। आगे देखेंगे विस्मयादिबोधक संबोधन या आश्चर्य चिन्ह, इसका निशान ये होता है। वाक्य में जब हर्ष घृणा आश्चर्य शोक भय चिंता आदि प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे हाय वह यह क्या हो गया, ठीक है, इसके लिए जो लगाया आपका विस्मयादिबोधक है। अरे वह पास हो गया, ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, हे ईश्वर रक्षा करो, यहाँ पे विनती कर रहे हैं ईश्वर से, तब भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे लाघव या संक्षेपक चिन्ह, शब्दों के संक्षिप्त रूप के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए, ठीक है, इसके लिए जो लगाया हमने लाघव या संक्षेपक चिन्ह है। डॉक्टर को पूरा ना लिख के संक्षेप में लिखा, यानी ये आपका लाघव या संक्षेपक चिन्ह। प्रोफेसर भी इसी तरह हो गया। आगे देखेंगे त्रुटिपूर्ण या हंस पद लोप, कई बार लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर उस शब्द के को लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे जैसी ठीक शाखा के कवि थे प्रेम मार्गीपुर या, उसके लिए लगाने के लिए हमने ये चिन्ह लगाया त्रुटिपूर्वक, उसके बाद अपना वाक्य लिखा, ठीक है। पानी हो गया
ये गरम लिखना भूल गए थे, इसके लिए हमने हंस पद चिन्ह लगाया, फिर हमने ये लिखा अपना वाक्य, ठीक है, ये त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह हो गया। उसके बाद अपूर्ण विराम, किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए अपूर्ण विराम यानी ये बिंदु का उपयोग करेंगे, जैसे सुख दुख, ये देखिए बीच में, ठीक है। कमायनी, ये जो है कमायनी का अध्याय, ये जो लिखा हमने ये अपूर्ण विराम लगाया, ठीक है। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है, जैसे धीरे धीरे। योजक हमने बताया था, निर्देशक और योजक एक ही तरह होते हैं, बस अंतर भी छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये जो लगाया आपने योजक चिन्ह, माता पिता के लिए ये जो लगाया चिन्ह वो योजक चिन्ह, बहन भाई ऐसे ही योजक चिन्ह के उदाहरण हो गए। कोष्ठक देखेंगे, यानी आपका कभी कभी किसी भी वस्तु स्थान का अन्य नामों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जब भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं कोई चीजें। उदाहरण देखें, गोस्वामी तुलसीदास जिन्हें अनेक महान ग्रंथों की रचना जैसे रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की है, ठीक है, तो इनको हमने ब्रैकेट में दिखाया है, तो ये आपका कोष्ठक चिन्ह हो गया। आगे देखते हैं योग चिन्ह या समता चिन्ह, यानी योग का मतलब हो गया प्लस और समता का मतलब बराबर। किसी शब्द के अर्थ अथवा व्याकरण के विश्लेषण में किया जाता है, जैसे तपा प्लस वन, ये जो लगाया हमने योग चिन्ह, तब जाके वाक्य बना। और ये बराबर जो है आपका समता चिन्ह हो गया, शुभ प्लस आगमन, ये प्लस यानी समता चिन्ह लगाया, फिर इसके बाद यानी पहला योग चिन्ह लगाया फिर समता चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, फिर आपका वाक्य कम्प्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे पुनः प्लस जन्म, ये योग चिन्ह हो गया और ये समता चिन्ह, तो ये आपके जो है 13 जो है आपके कम्प्लीट हो गए विराम चिन्ह। आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद